बच्चे को ना छोड़े ताकि बच्चा कहीं खो ना जाए। हम दिखा दे रहे कि खो रहा है, गोरे अंग्रेज है इसके। देख सकते हैं इन सब शहीदों को कैसे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप देख रहे हैं डिजिटल देसी ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और आपके साथ मैं शंभू। हर दिन की तरह आज भी निकल पड़े हैं मेले के खोज में, और आज हम आ पहुंचे हैं सत्य मेला। झालदा का सबसे फेमस मेला जो है वो है सत्य मेला। तो आप लोगों को दिखाएंगे पूरा मेला का सीन, तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक मार देना, और चैनल में अगर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी अच्छे अच्छे मेले का सीन हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए और देर नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं मेले के अंदर और दिखाते हैं मेले में क्या क्या सीने हैं, क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या नहीं बिक रहा है। चुके हैं अभिषेक के साथ, अभिषेक भी है मेरे साथ है, और हम दोनों मेले में आए हैं मेला देखने के लिए। क्यों अभिषेक, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा। हम पहुंच चुके हैं मेले में, और ये सत्यमला का नज़ारा है, ये अद्भुत नज़ारा। चारों ओर से ठेला लग चुकी है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो एक तो चीज़ है वो है आपका जो उधर सत्यमला का संग्रहशाला जो वो आपको देखने को मिलेगा, वो दिखाएंगे संग्रहशाला में क्या क्या है, और साथ में दिखाएंगे यहाँ का क्या क्या लगा है, झूला वूला सब कुछ टोटल जानकारी देने वाले इसमें। तो वीडियो का अंत तक रहिए। আশা ছিল না। এখানে বসবি, বসাবো এখানে, আয়া এখানে সব দেখাবো। अभिषेक चाप चुका है बाइक पर, देखा ये पत्थर के ऊपर पूरा शीशा टूटा हुआ है, बियर का बोतल है, जितना सब बियर का बोतल यहाँ टूटा है। जैसे कोई खाली पैर में अगर आ जाए तो उस सबकी हालत खराब हो जाएगा। तो मेले में अगर आप आइएगा तो जरूर से जरूर खाली पैर ना आइए, ताकि आपका कोई दुर्घटना ना घट जाए, ठीक है।
मेले में बच्चे कैसे खो जाते हैं इसका वीडियो दिखा रहे हैं। बच्चे को अगर ना ध्यान दिया जाए तो बच्चे इसे सीधा जाते हैं और मेले में खो जाएगा। कृपया अपना बच्चा को ध्यान रखने के लिए बच्चे को ना छोड़े ताकि बच्चा कहीं खो ना जाए। हम दिखा दे रहे हैं कैसे खो रहा है। देर हो चुका है, आप मेला घूमते घूमते एक साइड से घूम रहे हैं दूसरे साइड जा रहे हैं और जाते जाते आपको लास्ट में दिखाएंगे जो सत्य मेला का जो संग्रहशाला है वो दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे यहाँ का जो शहीद हुए थे जिस कारण इस मेला लगती है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो की जो क्वालिटी है वो लगती है कहीं पर इसकी जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए सॉरी।
चुका है राहुल बाबू और सुनाराम बाबू, बहुत अच्छा लगा मिलकर। फ्रेंड्स यही है वो संग्रहशाला जो स्वाधीनता संग्रामी शहीदों के लिए बनाया गया। संग्रहशाला कहा जाता है तो नजदीक दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सही हुए थे स्वाधीनता संग्रामी वो जैसे हैं महिम महतो, गोकुल महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो, शीतल महतो, इन सब शहीदों के शरण में ये संग्रहशाला बनाया गया है ताकि इन सब शहीदों को शरण किया जाए। ये बना था आपका 2017-18 जनवरी को जब प्रदल हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखोपाध्याय आए थे उस टाइम इसका उद्घाटन हुआ था। हम संग्रहशाला के अंदर जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ का क्या क्या संग्रहशाला में रखा गया है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वीडियो में बने रहिए। ये वो काली पहाड़ है जहाँ पर स्वाधीनता संग्रामी पहले पूजा किया करते थे, उसके बाद इस सत्यमेला में आकर जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में इन सब शहीद अंग्रेज के हाथ में शहीद हुए। म्यूजियम में भीड़ लग चुकी है। आज के दिन सभी लोग आकर इन शहीदों को शरण करते हैं ताकि देश का बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है तो देख सकते हैं। बच्चे को बहुत पर लेकर एक पूरा ब्लॉग को मेले का ब्लॉग को शूट करना पड़ा और आप लोग अगर
सपोर्ट ना करे तो फिर मोटिवेशन कैसे बन पाएगा। तो पूरा सपोर्ट करने के लिए हमको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ पूरा शेयर करें ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। तो घर हम लोग जा रहे हैं, कल फिर दिखाएंगे कुछ नए मेले का नया वीडियो। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाबू बाबू बाय बोलो, फ्रेंड्स को बाय बोलो, हाथ हाथ दो, हाथ दो, हाथ क्या करो, हाथ लड़ाओ, हाथ लड़ाओ, हाथ लड़ाओ। ओके फ्रेंड्स, बाइक के पास आ गए और ये है हमारा बाइक। बाइक का नंबर भी आप देख सकते हैं, 13 18। कहीं पर अगर खो जाए तो आप इसको नंबर को याद रखिएगा।